This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate High Court. I am from Iqbal International Law Services. Hello guys, आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर we are going to deliver a legal lecture, आज का हमारा टॉपिक है कि how to cancel a check, how to cancel a check. बैंक का जो चेक होता है उसको कैंसिल करने का क्या तरीकेकार है. फॉर एग्जाम्पल हम किसी को चेक इशू करते हैं और बाद में हमारा कोई डिस्प्यूट किसी बात पे क्रिएट हो जाता है अमाउंट के बारे में या किसी और चीज के बारे में और वो हमें चेक देने से इनकारी होता है या जाके वो बैंक से कैश करा सकता है या अगर पैसे नहीं है तो वो जाके उसको डिसऑनर करा सकता है और ऑन द बेसिस ऑफ द डिसऑनर ही कैन लॉज एन FIR आल्सो फाइल अ समरी सूट. अगर वो चेक बैंक में प्रेजेंट कर देता है और बैंक में प्रेजेंट करने से वो चेक डिसऑनर हो जाता है, बाउंस हो जाता है, तो साफ जरे वो हमारे खिलाफ FIR कटा सकता है और इसके अलावा समरी केस फाइल कर सकता है हमारे खिलाफ, केस में हमारे पैसे देने थे जो नहीं दे रहा. अब इस सूरत हाल में हम क्या कर रहे हैं, देखिए, या फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी होता है हमारे पे साइन एक चेक का है वो गुम हो जाती है, चेक वो गुम हो जाती है या हमारे पास एक चेक का हमने साइन किया हुआ रखा है, चोरी हो जाता है, हमारे ऑफिस से चोरी हो जाता है, घर से चोरी हो जाता है, जेब से गिर जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, उसमें अमाउंट भी लिखी है या हमारे सिग्नेचर लिखे हैं या कोई सिग्नेचर हमारे नकल सिग्नेचर भी कर सकते हैं, तो अब हम क्या करें. देखिए सबसे पहले तो हम इन्फॉर्म करेंगे टू द बैंक उस चेक को स्टॉप करा देंगे कि ये नंबर का चेक है जो हमारा इशू किया है, जो हमारा मिसप्लेस हो गया है या किसी के पास है तो हम ये नहीं चाहते कि उसको पेमेंट की जाए, तो इस चेक को जो है कैंसिल किया जाए, स्टॉप किया जाए. एक तो हम कोशिश ये करेंगे, पहला जो स्टेप हमारा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप वो यही होगा, हम बैंक को अप्रोच करेंगे. अपने बैंक को अप्रोच करने के बाद एप्लीकेशन देगी, कहेंगे कि इस नंबर के चेक को स्टॉप कर दिया जाए. अगर वो बैंक में प्रेजेंटेशन के लिए आता है तो उसको बैंक जो है वो वापस भेज देता है, उसको स्टॉप कर देता है कि इस पर पेमेंट स्टॉप हो चुकी है. और उसके बाद हम कोर्ट में, सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कि ये जो चेक है इसको कैंसिल किया जाए क्योंकि ये फलां बंदे के पास है, वो इसको मिसयूज कर सकता है, कोर्ट में बाद में पेश कर सकता है, देखिए इसने हमारे पेमेंट करनी थी जो पेमेंट नहीं कर रहा, इस पर FIR भी लॉज करा सकता है, केस भी फाइल कर सकता है, तो इसलिए कोर्ट इसको कैंसिल कर दे क्योंकि हम नहीं चाहते, क्योंकि हमने इसको कोई पेमेंट करनी नहीं है, हमने इसका कोई पैसा नहीं देना, हमने कोई इसको चेक इशू नहीं किया, अगर चेक इशू किया है तो हालात वाकई अब चेंज हो चुके हैं, अब हम नहीं चाहते कि वो चेक जो है कैश हो, प्रेजेंट हो या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो. सब जरूरी उस सूरत में होगा कि अगर वो पेमेंट करने से, अगर वो चेक हमारा वापस करने से इनकारी है तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम उस चेक को कैंसिल कराने के लिए हमें केस फाइल करना पड़ेगा, सूट फॉर द कैंसिलेशन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, उस चेक को कैंसिल करने के लिए हमें सिविल कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा. उस बंदे को जिसके पास ये चेक है पार्टी बनाया जाएगा और केस ऑफ कोर्स चलेगा, एविडेंस लीड होगी, कोर्ट तब जाके फैसला करेगी और वो जो चेक है वो कैंसिल हो जाएगा. जब केस कैंसिल हो जाता है तो फिर उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी और उस केस, उस चेक के बेस पर ना तो वो हमारे खिलाफ केस फाइल कर सकता है और ना ही FIR दर्ज करा सकता है, ना कोई और केस फाइल कर सकता है, ना ये कह सकता है हमारी पेमेंट देनी है. तो ये बेस्ट तरीका है, अगर हमसे चेक मिसप्लेस हो जाता है, चेक हमसे गिर जाता है, चेक हमसे गुम हो जाता है, किस चोरी हो जाता है या हम हमने खुद चेक दिया, सब टाइम ऐसा भी होता है जबरदस्ती गन पॉइंट में भी चेक लिखा दिए जाते हैं, पैसे देने पुलिस स्टेशन बुलाया, हमें पुलिस नाजायज इस्तेमाल करते हुए, अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए, प्रेशर से, जोर जबरदस्ती से सब टाइम चेक भी कैश करा ले, चेक पर साइन करा दिए जाते, कहते हैं आप चेक दे, कोई मैटर का लेन देन होता है. हालांकि तो बेसिक तो प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ये है कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट है, कोई पैसे किसी ने देने हैं तो आप कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, प्रूफ करें, कोर्ट आपको पैसे दिलाएगी. ये तो कोई प्रोसीजर नहीं है, ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप थाने चले गए, थाने वालों ने जबरदस्ती बुला के कहा जाए चेक साइन करो, अरे भाई पैसे देने हैं या नहीं देने, वो फैसला तो कोर्ट करेगी, अगर देने हैं तो कितने देने हैं, किस चीज के देने, ये फैसला सिविल कोर्ट का है, थाने का नहीं है, पुलिस स्टेशन का नहीं है,
ऐसे भी होता है, बहुत से वाकयात होते हैं कि पुलिस वाले जबरदस्ती साइन करा लेते हैं कि आपने पैसे देने थे, हमें उसे मेरे पैसे दे, उसको पकड़ा, वो पकड़ा के हमें चेक पे साइन कर दे, फिर उसको छोड़ देते हैं। या वैसे हम देखते हैं किसी को लेन देन सिलसिले में कोई प्रॉपर्टी का लेन देन है, तो अब हमारा वो लेन देन कैंसल हो जाता है, वो चेक देने से इनकार ही हो जाता है। हाँ कहता है यार नेक्स्ट टाइम दे दूंगा, कल दूंगा, परसों देगा, वो ले से काम लेता है। अब बहाने करता है कि आज दूंगा कल दूंगा, इस तरीके से वो देता नहीं है विद वन प्रीटेक्स्ट टू अदर, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बनेगा? या फिर दो चार बंदे ला गए, हमें गन पॉइंट भी सेंड करा सकते हैं कि चेक पर सेंड करो, वो लेके जा चले जाए। तो ये बहुत सी सूरतें होती हैं कि हम उसको पेमेंट नहीं करना चाहते, जो भी मैटर्स है। तो उस सिलसिले में हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक को स्टॉप कराएंगे, स्टॉप करने के बाद हम कोर्ट में केस फाइल करेंगे, केस को कैंसिल किया जाए, और कैंसिल कर देते तो हमारे जो भी जिम्मेदारी हमसे वो खत्म हो जाएगी। ये तरीकेकार है चेक को कैंसिल कराने का। ये था हमारा आज का लीगल टॉपिक जिस पर हमने लेक्चर आपको दिया। इफ यू एनी क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन में हमारी डिटेल मौजूद है। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।